हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग अ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस आज मैं आपको मैप्स, जी हाँ दोस्तों सही सुना, मैप्स के बारे में ए टू जेड हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। वेल मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को तो मैप्स का यूज़ करना आता ही होगा, बट यार यकीन मानो इस वीडियो को मेरे साथ देखो, आपको कुछ हटके कुछ यूजफुल नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें चाहिए क्राफ्टिंग टेबल, तो ये रही हमारी क्राफ्टिंग टेबल, इसको ऐसे बनाते हैं। और फिर इसके बाद हमें चाहिए ढेर सारे पेपर, तो पेपर आपको पता ही शुगर कैन से नॉर्मली बन जाते हैं, तो आप क्राफ्टिंग टेबल का यूज़ करके नॉर्मली पेपर बना सकते हो, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। एंड नॉर्मली कंपास कैसे बनाना है, तो सिंपली आपको चाहिए इसके लिए आयरन और जो रेड स्टोन डस्ट होता है वो चाहिए आपको। नॉर्मली आपको कंपास भी बना लेना है। तो भाई सबसे पहले मैं मैप से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं मैप बना लेता हूँ। तो नॉर्मल मैं पेपर का यूज़ करके क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू मैं अपने एम्प्टी मैप बना लेता हूँ। तो नॉर्मली गाइस अब ये जो मैं मैप बना रहा हूँ ये है लोकेटर मैप, और याद रहे जिसके अंदर कंपास लगता है वो लोकेटर मैप होता है, बाकी नॉर्मल वाला मैप होता है। इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि जो ये मतलब जिसमें कंपास लग रहा है इस वाले मैप के अंदर आपको आपकी लोकेशन दिखेगी। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्ले करो और आपके फ्रेंड भी आपके साथ प्ले कर रहे हैं, तो यार उनकी भी लोकेशन आपको इस मैप पर दिखेगी, तो लोकेटर मैप काफ़ी यूज़फुल हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास ये नॉर्मल सा जो एम्प्टी मैप है वो है मेरे हैंड में, ये देखिए मैंने पिक कर लिया। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ इस नॉर्मल वाले मैप को। तो सबसे पहले आप एक बात ये समझ लो, अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन की जगह का मैप चाहिए ना, तो पहले उस जगह पे आप चले जाना, तभी जाके क्रिएट मैप पे क्लिक करना, ठीक है। आप जहाँ पे खड़े रहोगे ना, ये वहाँ के कुछ एरिया का ऑटोमेटिक मैप क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल मैप मैंने क्रिएट कर लिया, तो विदाउट लोकेटर वाला मैप है, तो इसमें जाहिर सी बात है हमें हमारी लोकेशन दिखेगी नहीं, ये नॉर्मल क्रिएट हो गया है। तो गाइस अब मैंने नॉर्मली एम्प्टी लोकेटर वाला मैप अपने हैंड में पिक कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ही मुझे इसे भी क्रिएट करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो मेरी लोकेशन भी शो हो रही है। एंड ऐसे में जो भी प्लेयर आपके ऑनलाइन होंगे ना, तो वो भी आपको आपके मैप पर दिख जाएंगे। तो ये जो मतलब लोकेटर वाला मैप है काफ़ी यूज़फुल होता है। और एक चीज़ और, सिंपली आपको अपने मैप पे क्लिक करके उसको यहाँ पे रख लेना है, तो इससे आपका मैप ना आपके दूसरे वाले हैंड में आ जाएगा। ये चीज़ मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, क्योंकि मतलब कई लोगों को डाउट होता है ना, जैसे नॉर्मल स्वॉर्ड और मैप को एक साथ कैसे पिक कर सकते हैं, तो इसका सिंपली ट्रिक यही है, सिंपली मैप पे क्लिक करके आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो गाइस अब मैं नॉर्मली आ गया हूँ अपनी कार्टोग्राफी टेबल के पास, क्योंकि अब हम मैप्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस मैप की कॉपी बनाता हूँ, और नॉर्मली गाइस कॉपी बनाना काफ़ी इजी होता है। आपको नॉर्मली एम्प्टी मैप एक चाहिए होता है, उसको जस्ट आप ऐसे नीचे रखो और यहाँ पे क्लिक कर दो, और आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी मैप की। और कॉपी बनाने से ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें ना आपको बार बार मतलब कंपास नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार बस आपको कंपास चाहिए होगा, फिर आप इसकी जितनी मर्जी जितनी कॉपी बना सकते हो नॉर्मली एम्प्टी मैप का यूज़ करके। और कई सी मतलब मैप्स की कॉपी बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम अपना एक ओरिजिनल मैप हमेशा किसी चेस्ट में आराम से संभाल के रख दें। बाय द वे अगर हम आउट होते भी हैं, हमसे मैप होता भी है, तो ऐसे में हम दूसरे मैप को दोबारा से ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बार बार मैप बनाओगे तो बार बार आपको मतलब कंपास का यूज़ करना पड़ेगा, एंड कंपास आपको पता ही है उसके लिए हमें आयरन वगैरह चाहिए होते हैं। तो नॉर्मल कॉपी कर लो मैप की, आपको दोबारा कंपास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कॉपी करके जितनी मर्जी मतलब इस मैप की कॉपी बनाओ। और नॉर्मली अब हम सीखते हैं इस मैप को जूम कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से मैप रखा, एंड नीचे इस बार सिर्फ हमें सिंपल जो पेपर होते हैं नॉर्मल शुगर कैन के वो रखने, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जूम वाला, तो मैंने देखिए करा, तो ये मैप मेरा जूम हो गया। तो वैसे जो खाली खाली सा एरिया देख रहे हो ना, तो नॉर्मली आपको यहाँ की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक मैप क्रिएट होते जाएगा। अभी मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊँगा अभी, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो अभी जो मैप है ना, इसका लेवल 1 हो चुका है, आप देख सकते हो लेवल 1 लिखा हुआ रहा है, और टोटल जो लेवल होते हैं 4 होते हैं। तो एक बार हम इसे लेवल 2 का भी कर देते हैं, तो देखिए कैसे मैंने लेवल 2 का कर दिया, अब ये और भी छोटा हो गया, आप देख सकते हो बिल्कुल गोल सा हो गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक और बार इस मैप को जूम करने जा रहा हूँ, तो देखिए मैंने मैप को जूम कर दिया, और अब आप देख सकते हो और भी छोटा हो गया। तो जनरली मुझे ना लेवल 2 तक की बस मैप पसंद है, अगर लेवल 3 या 4 करते हैं ना तो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो ऐसे में मतलब ढंग से कुछ चीज़ दिखती भी नहीं, तो ऐसे में फिर मैप बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो वेल मैंने ऑलरेडी इस मैप की कॉपी बना रखी थी, तो मेरे पास तो उसकी कॉपी है। एंड अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो खाली खाली है ना, इसको आपको भरना कैसे। तो नॉर्मली इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन की तरफ जाना है, मतलब जहाँ जहाँ पे खाली है ना ये बिल्कुल प्लेन, आपको उस डायरेक्शन की तरफ जाना है, ऑटोमेटिक फिल होते रहेगा मैप। तो इस चीज़ को गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अपने मैप का नेम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं GPS मैप लेवल 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने लेवल 2 का भी मैप बनाया था ना, इसकी कॉपी भी बना ली थी।
तो गाइस देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैप भी ऑटोमेटिक क्रिएट होते जा रहा है। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिक मैप वर्ल्ड जो होता है वो जनरेट होते रहता है, जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे आपके मैप पे दिखता रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको एक बार मतलब स्टार्टिंग में तो पूरी जगह पे घूमना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर पूरा मैप चाहिए तो। ओके गाइस, तो गाइस मैप से रिलेटेड ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज़ आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी तो मैं फिलहाल बिल्कुल सीधा सीधा जाऊँगा एंड फिर से मैप क्रिएट करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो वाला जो मैप है ना वो जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाए एंड फिर मैं दोनों को मर्ज करूँ, यानी कि जब आइटम फ्रेम पे लगाऊँ तो दोनों बिल्कुल बड़े मैप दिखें। तो ऐसा भी करना काफ़ी सिंपल है। तो इसके लिए सिंपली सबसे आपको लास्ट में चले जाना है। देखिए जैसे मैं ये आ गया एंड जब आपको ये नॉर्मल एरो कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि आप देख सकते हो लास्ट में आ गया हूँ मैं बिल्कुल, अब मेरा एरो मूव नहीं कर रहा। तो जस्ट यहाँ पर आके मैं फिर से जो मेरे पास एमपीटी लोकेटर मैप है मैं उसको लूँगा और क्रिएट मैप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब मैंने मैप क्रिएट कर लिया, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो अभी तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि ये मैप कैसा है और ये मैप कैसा है, आपस में मतलब मर्ज कैसे होंगे। तो डोंट वरी दोस्तों, आपको याद होगा ये जो मैप है ये हमारा लेवल 2 का है, तो जाहिर सी बात है हमें इस मैप को भी सबसे पहले लेवल 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो गाइस अब तो आप जानते हो कि आपको लेवल 2 में कैसे कन्वर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, कार्टोग्राफी टेबल का यूज़ करके नॉर्मल हमें पेज लगाना है एंड इसको लेवल 2 का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लेवल 2 यानी कि हमारा मैप जूम हो गया है, और अब एक बार मैं जल्दी जल्दी से मतलब घूम के इसको अच्छे से मतलब क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा किनारे किनारे का, ताकि मर्ज करूँ तो आपको दिख जाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने जो मतलब ये वर्ल्ड है मेरा इसको मैंने क्रिएटिव मोड में ले लिया, ताकि मैं जल्दी जल्दी से उड़ उड़ के इसको मैप को कम्प्लीट कर लूँ जल्दी से, क्योंकि यार काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं नॉर्मल करूँगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है ये, आप देख सकते हो साइड साइड से अभी मैंने करा, क्योंकि पूरा करूँगा तो उसमें यार काफ़ी टाइम लगेगा, तो इतना मैंने कर दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने वुडन प्लैंक रख दिए हैं एंड मैं इन पे जो आइटम फ्रेम होता है तो वो लगा देता हूँ दो, और ये मैं अपने लगा देता हूँ यहाँ पे, जो ये दो मैप थे हमारे आधे अधूरे, और इनको अब नॉर्मली पजल की तरह हम कर लेते हैं सॉल्व। ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। ये देखिए गाइस ये मैप आपस में मतलब मर्ज हो गए हैं। अगर ये मैं पूरा मैप अच्छे से क्रिएट कर लेता ना तो काफ़ी अच्छा लगता, बट मैंने आपको दिखाने के चक्कर में बस अभी जल्दी जल्दीबाजी में ऐसा काम कर दिया। ठीक है, तो गाइस आप ऐसे कर करके ना कई सारे ढेर सारे मतलब मैप को कलेक्ट कर सकते हो और उनका आपस में ऐसे लगा लगा के काफ़ी तगड़ी सी मतलब जियोग्राफी बना सकते हो, एक वर्ल्ड का मैप बना सकते हो एंड फिर आपको नॉर्मल मतलब काफ़ी मज़ा आएगा गेम को प्ले करने में। तो यही थी वीडियो, आई होप अब आपको मैप के बारे में तो ए टू जेड चीज़ें पता चल गई होंगी। बट गाइस कंपास और जो क्लोक होती है इनका भी काफ़ी यूज़ होता है, ये मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है वीडियो काफ़ी देर हो जाती है लाने में क्योंकि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अलावा मुझे माफ़ करना। और जो कमेंट है आपकी मैं अगली वीडियो में पिक करूँगा, अच्छी अच्छी कमेंट तो मुझे कर देना इस वीडियो पे। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।